थोड़ा सा ना पर्दे का एहतमाम हो। मैं कोई तनकीद नहीं करता, तंज नहीं करता, चूँकि हमारी बहनें माएँ बेटियाँ होती हैं, हमने उन्हें समझाना है। इनको ज़रा समझाएं, इनको ये बताएं कि कीमती चीज़ें जो होती हैं वो पर्दों में होती हैं। हमारे घर में 20 तोले सोना पड़ा हो तो हमने कभी नहीं बाहर निकल के बताया कि पड़ा है, क्योंकि कीमती है ना, तो पर्दे में रखा हुआ है। उसकी चाबी का भी हम ख्याल रखते हैं कि कहीं गुम ना हो जाए। इसी तरह हर किताब को गुलाफ नहीं चढ़ता, सिर्फ कुरान पाक को चढ़ता है। इन्हें बताओ कि सारी बीबियाँ पर्दा नहीं करती, सिर्फ सैयदा आयशा सिद्दीका की कनीज़ें करती हैं, सिर्फ सैयदा फातिमा की कनीज़ें करती हैं रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। थोड़ा सा ना पर्दे का एहतमाम। शादी ब्याह पे तो बिल्कुल ही मामला गड़बड़ है, और पूरी तैयारी करके औरतें माज़ल्ला आ जाती हैं, और ये तो रोकना है उनके वरसा ने, उनके जो वली हैं। औरत ने जो बनाव सिंगार करना है वो तो घर में अपने खामत को दिखाने को करना है, तो वो घर में करे जब उसको ज़रूरत हो, लेकिन इस तरह से लेकर के उसको ब्याह में जाना, शादी में जाना, मेहंदी की तकरीब में जाना, ये ना आकलन ठीक है, ना नकलन ठीक है, ना तहजीब के तौर पर ठीक है, ना सोसाइटी में महज़ब लोग इस तरह का कोई काम करते हैं। सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शिर्क के बाद जो सबसे बड़ा गुनाह है वो बदकारी है, बेहयाई है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुछ औरतें ऐसी हैं जो लिबास पहन के भी नंगी हैं। फरमाया, ये वो औरतें हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की हवा भी अदा नहीं करे, खुशबू तक नहीं मिले। इनको ये समझाएं, ये आजकल बड़ा उरूज है शादियों का। ख़वातीन मेहरबानी करें, अपने ऊपर रहम खाएं, ना अल्लाह की नाफरमानी मोल लें। माओ बहनों बेटियों, फिर रोती हो, दुख सुनाती हो, कहती हो बड़ी सारी आजमाइश में हैं, तो अगर तकलीफ़ में हो तो फिर तो रहमत वाले काम करो ना। बंदा तकलीफ़ में भी हो, दुखों में भी, और काम अजाब वाले करे तो उसे किस तरह करके आसानी मुयसर आएगी। इसलिए शरीयत इस्लामिया के दायरे के अंदर